उनके रास्ते ही पहुँचेंगे मंजिल तलक। आप समा उन्हें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा जवान है जो इन बातों के ऊपर अमल कर। क्या फरमाया? कोई ऐसा जवान है, कोई ऐसा शख्स है जो इन बातों के ऊपर अमल कर लेवे, या कम से कम जो है दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचा, दूसरे लोगों को ये बात पहुंचा देवे, इसकी दावत दे देवे, ताकि वो जवान इनके ऊपर अमल करने वाले बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि कोई जवान ऐसा है जो इन बातों के ऊपर अमल कर लेवे, या कम से कम जो है दूसरों को बता देवे, दावत देने वाला बने, ताकि दूसरे लोग इन बातों के ऊपर अमल करने वाले। तो हमारे लिए दोनों बातें जरूरी है, एक तो इन बातों के ऊपर अमल करना और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना। ये तो नूरुल अला नूर की बात है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया और मैं बोला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ कि मैं बात के ऊपर अमल भी करूँगा और बात दूसरों तक भी पहुँचा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ा और फिर पांच बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनार फरमाई। सबसे पहली बात हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो तुम्हारी तकदीर के अंदर लिख चुका है, तुम्हारे मुकद्दर के अंदर जो अल्लाह ने फैसले कर दिए हैं, तुम्हारे मुकद्दर के अंदर जो बातें लिखी जा चुकी है, उस पर राजी रहना सीख लो, उस पर राजी रहना सीख लो, तुम बेनियाज बंदों के अंदर हो जाओ। फिर दूसरी बात फरमाई कि हराम बातों से अपने आप को दूर रखना, हराम बातों से अपने आप को दूर रखना, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार के अंदर शुमार हो जाओ। हराम बातों से, गुनाह वाली बातों से, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली बातों से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाली बातों से अपने आप को बचाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम सबसे बड़े इबादत गुजारों के अंदर शुमार हो जाओगे। फिर तीसरी बात हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मेरे नबी ने ये फरमाई कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना, तुम मोमिन बन जाओगे। तुम कैसे बसे मोमिन बन जाओगे? मोमिन अलग चीज होती है, मुसलमान होना अलग चीज होता है। फिर चौथी बात फरमाई कि जो बात अपने लिए चाहते हो, जो बात अपने लिए पसंद करते हो, वो बात तुम दूसरों के लिए पसंद कर लो, तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। तुम कैसे बन जाओगे? तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। और फिर पांचवी बात हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मेरे नबी ने ये फरमाई कि बहुत कहकहा ना लगाना, जोर जोर से मत हंसना, क्योंकि ये बातें दिल को मुर्दा कर देती है। क्या कर देती है? दिलों को मुर्दा कर देती है।